हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। नमस्कार बच्चों, आज से हम कक्षा 11वीं की केमिस्ट्री पढ़ना हम शुरू कर रहे हैं। मैं अमन साहू आपको कक्षा 11वीं की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको आप लोगों को द्रव्य के संरक्षण का नियम मैंने पढ़ा चुका था। आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, कक्षा 11वीं की केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का अध्याय एक चैप्टर वन का हमारा नाम है रसायन शास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं। हमारा आज का ये वाला पार्ट है और हम आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। हमारा प्रश्न है आज का, स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। आपको पेपर में क्वेश्चन क्या बन करके आएगा, स्थिर अनुपात का नियम लिखिए या निश्चित अनुपात का नियम लिखिए। कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको पेपर में आ सकता है कि भैया स्थिर अनुपात का नियम लिखिए अथवा निश्चित अनुपात का नियम लिखिए। और ये बहुत सरल नियम है, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम लिखिए। पेपर में क्वेश्चन बन के क्या आएगा, आपको क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट कर लीजिए, आप खाली हाथ नहीं बैठेंगे। आपको यहाँ पर एक पेन और एक कॉपी निकाल करके आपको बैठना और यहाँ पर आपको लिखते हुए चलना है। हमारा प्रश्न आज का ये है कि भैया स्थिर अनुपात का नियम लिखिए, क्वेश्चन नोट कर लो, स्थिर अनुपात का नियम लिखिए अथवा निश्चित अनुपात का नियम लिखिए कक्षा 11वीं केमिस्ट्री का अध्याय एक चैप्टर वन पूरी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, कक्षा 11वीं की पूरी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। और अब से बिल्कुल डेली आपके लिए लेक्चर अपलोड होंगे, डेली आपके लिए वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके पूरा केमिस्ट्री का लेक्चर बना करके मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। और अब मैं पूरा बोर्ड पर ही पढ़ाऊंगा, अब कॉपी पर नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा बोर्ड पर पढ़ाऊंगा और पूरा लिख करके पढ़ाऊंगा। यहां पर आपको इसको लिखते भी जाना है और यहां पर आपको समझते भी जाना है। तो देखिए, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जोसेफ लुई प्राउस्ट। एक वैज्ञानिक हुए थे, उनका नाम क्या था, जोसेफ लुई प्राउस्ट उनका नाम था, है ना। जोसेफ लुई प्राउस्ट ने, किसने, जोसेफ लुई प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया। स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन या निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया बच्चों, यहां पर आप देख सकते हो जोसेफ लुई प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया और निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया। जोसेफ लुई प्राउस्ट ने यह देखा कि प्रत्येक यौगिक का संगठन सदैव निश्चित रहता है। अब यहां पर एक वर्ड आया यौगिक, यौगिक किसको बोलते हैं, देखिए दो तत्वों से मिलकर बनता है यौगिक, इस पूरी पृथ्वी में, इस पूरे ब्रह्मांड में 118 तत्व पाए जाते हैं। जितने भी ब्रह्मांड की रचना हुई, चाहे मैं, मार्कर, पेन, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, जो कुछ भी आपके आसपास है, इन सब पूरी पृथ्वी की जो रचना है कुल मिलाकर के 118 तत्वों से हुई है। 118 तत्व जब आपस में मिलते हैं, तो इस ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो तत्व से मिलकर बनता है यौगिक। तो देखिए, एक तत्व हो गया आपका हाइड्रोजन और दूसरा तत्व हो गया आपका ऑक्सीजन। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपस में मिले तो बन गया H2O जल। क्या बन गया यहां पर आपका, H2O जल का यहां पर आपका निर्माण हुआ। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के मिलने से किसका निर्माण हो गया, जल का निर्माण हो गया, H2O जल का यहां पर आपका निर्माण हो गया, आप देख सकते हो, है ना। तो तत्वों से मिलने के क्या बनता है, यौगिक। तो भैया देखो ना, प्रत्येक यौगिक का संगठन सदैव निश्चित रहता है। प्रत्येक यौगिक का संगठन, जैसे कि जो जल का यौगिक होता है, जल के यौगिक का संगठन हमेशा निश्चित रहेगा। मतलब जल के यौगिक में हमेशा दो ही हाइड्रोजन होंगे और एक ही ऑक्सीजन होगा। मतलब यौगिक का संगठन सदैव कैसा रहता है, निश्चित रहता है, ना ही कम होता है और ना ही ज्यादा होता है। मैं एक यौगिक की और बात करूंगा, CaCO3। CA मतलब कैल्शियम और CO3 मतलब कार्बोनेट। CA को पढ़ा जाता है कैल्शियम और CO3 को पढ़ा जाता है कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। यहां पर ये एक यौगिक है, इस यौगिक का भी संगठन सदैव निश्चित रहेगा, जितने का उतना ही रहेगा। इसका संगठन भी कैसा रहेगा, निश्चित रहेगा, जितने का उतना ही रहेगा। कैल्शियम कार्बोनेट के यौगिक में भी कैल्शियम जो तत्व है उसकी संख्या एक ही रहेगी, कार्बन की संख्या एक ही रहेगी और ऑक्सीजन की संख्या यहां पर कितनी रहेगी,
तीन रहेगी, क्लियर, कितनी रहेगी, तीन रहेगी। संगठन सदैव निश्चित रहता है। जोसेफ लुई प्राउस्ट ने यह देखा कि प्रत्येक यौगिक का संगठन, प्रत्येक यौगिक का संगठन सदैव निश्चित रहता है। किसने देखा? जोसेफ लुई प्राउस्ट ने देखा। जोसेफ लुई प्राउस्ट ने यह देखा कि प्रत्येक यौगिक का संगठन क्या रहता है? निश्चित रहता है, चाहे उसे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। जो जल है, जल यदि आप तालाब का जल भी लोगे ना, तो उसमें भी हाइड्रोजन की संख्या दो ही रहेगी और ऑक्सीजन की संख्या एक ही रहेगी। इस यौगिक को आप किसी भी स्रोत से प्राप्त करो, आप नाली का जल भी लोगे, आप नाले का जल भी लोगे ना, तो नाले के पानी में भी हाइड्रोजन की संख्या दो ही रहेगी और ऑक्सीजन की संख्या एक ही रहेगी। आप पानी को कहीं से भी प्राप्त करो, है ना, नाली का पानी, तालाब का पानी, बरसात का पानी, या फिर प्रैक्टिकल लैब में जाकर के आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके पानी बना दो। जो जल है, जो जल का जो यौगिक है, उसमें उसका जो संगठन होगा हमेशा निश्चित रहेगा। जल के यौगिक का संगठन हमेशा फिक्स्ड रहता है। जो जल का जो यौगिक है हमारा, उसका जो संगठन है, उसका जो जल के यौगिक का संगठन हमेशा कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा। इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपके रहेंगे, ये आपका संगठन कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा। जोसेफ लुई प्राउस्ट ने देखा कि प्रत्येक यौगिक का संगठन सदैव निश्चित रहता है, चाहे उसे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, चाहे आप पानी कहीं से भी प्राप्त कर लो, चाहे यौगिक को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, उसका संगठन हमेशा कैसा रहता है? निश्चित रहता है। अब इस नियमानुसार, मतलब इस नियम, कौन से नियम के अनुसार? स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार या निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये नियम क्या कहता है। पेपर में पूरा आपको ऐसे लिख करके आना है, तब जाकर के आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए अब नियम क्या होता है, यहाँ पर आप समझोगे नियम क्या होता है। नियम समझेंगे, प्रत्येक का मतलब होता है हर एक रासायनिक यौगिक में। रासायनिक यौगिक का मतलब क्या होता है? जैसे कि जल का रासायनिक सूत्र है H2O, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है CaCO3। प्रत्येक रासायनिक यौगिक में आप देख सकते हो, यहां पर मैंने एक जल का यौगिक ले लिया। प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, अभी याद होना चाहिए, सुन करके याद करो, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, मेरे साथ बोलो, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, क्या बोला मैंने? प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व, उसके मतलब यौगिक के अवयवी तत्व। यहां पर आप देख सकते हो इस यौगिक के दो अवयवी तत्व है। पहला तत्व है यहां पर आपका हाइड्रोजन और दूसरा तत्व है यहां पर आपका ऑक्सीजन। प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व, यहां पर इस यौगिक के दो अवयवी तत्व है। पहला तत्व है हाइड्रोजन, इसको हम H से प्रकट करते हैं, और दूसरा तत्व है हमारा यहां पर ऑक्सीजन। प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भारानुसार, मतलब भार के अनुसार, वजन के अनुसार। भार का मतलब होता है वजन, द्रव्यमान का मतलब भी होता है वजन। भारानुसार मतलब भार के अनुसार। हाइड्रोजन का भार होता है एक, क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन का भार कितना होता है यहां पर आप देख सकते हो, हाइड्रोजन का भार होता है एक, और यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? दो है। एक हाइड्रोजन का वजन एक, तो दो हाइड्रोजन का वजन कितना हो जाएगा? एक गुणा दो। और ऑक्सीजन का वजन होता है 16, जैसे मेरा वजन है, आपका भी कुछ ना कुछ वजन है, उसी प्रकार ऑक्सीजन का वजन होता है 16, हाइड्रोजन का वजन होता है एक, यहां पर संख्या है दो, तो दो का कर दिया अपन ने गुणा। अब दो एक कम हो गया दो, अनुपात 16 का हो गया 16, इसको काट लेंगे, दो एक कम दो, अनुपात दो आठी कितना आ गया आपका? 16 आ गया। दो एक कम दो, अनुपात दो आठी कितना आ गया यहां पर आपका? 16 निकल करके आ गया। इसको यहां पर लिख देता हूं, दो एक कम दो, है ना। पहला तत्व क्या हो गया यहाँ पर आपका? पहला तत्व हो गया आपका हाइड्रोजन, दूसरा हो गया आपका ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का वजन कितना आया आपका? दो आया, अनुपात ऑक्सीजन का वजन कितना है यहाँ पर आपका? 16 है, काट देंगे, दो एक कम दो, अनुपात दो आठ ही 16। तो देखिए
प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व, यहाँ पर दो अवयवी तत्व है, पहला तत्व है हाइड्रोजन और दूसरा तत्व है ऑक्सीजन। प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भारानुसार मतलब भार के अनुसार, वजन के अनुसार, भारानुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, हमेशा एक निश्चित अनुपात में पाए जाएंगे, है ना। मतलब कि ये जो यौगिक है, जल का जो यौगिक है, इसके दो अवयवी तत्व है, पहला तत्व है हाइड्रोजन और दूसरा तत्व है ऑक्सीजन। अब द्रव्यमान के अनुसार मतलब हाइड्रोजन का द्रव्यमान हो गया यहाँ पर कितना, 2, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो गया आपका, 16 हो गया। द्रव्यमान के अनुसार यदि हम इनके द्रव्यमानों का अनुपात निकाले तो 2 × 1 = 2 और 2 × 8 = 16। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना आया, 1:8 आया। मतलब कि यदि आप नाले का जल लोगे और उसमें यदि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालोगे तो वह हमेशा 1:8 ही आएगा। यदि आप तालाब का जल भी लोगे ना, उसमें भी यदि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात निकालोगे तो वो 1:8 ही आएगा। यदि आप बरसात का जल लोगे ना, और उसमें भी यदि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात निकालोगे तो वो भी कितना आएगा, 1:8 ही निकल करके आएगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व, है ना, अब भी याद होना चाहिए, मैं बोल के दिखाऊं, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व द्रव्यमान अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। हमेशा कैसे पाए जाते हैं, सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। ये लिखा है प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व द्रव्यमान अनुसार या फिर भार अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। हाँ ना, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, चाहे आप ये इस यौगिक को किसी भी विधि से, किसी भी मेथड से प्राप्त करो, है ना, हमेशा अनुपात कितना आएगा, 1:8 ही निकल करके आएगा, 1:8 ही निकल करके आएगा। देखिए, जल हमें निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त हो सकता है, जो पानी होता है, जो जल होता है, जो हमारा जल पानी H2O होता है, जल हमें निम्न स्रोतों से प्राप्त हो सकता है। पहला, नदी से भी पानी मिल जाएगा, कुआं हो गया, समुद्र हो गया, तालाब हो गया, आदि प्राकृतिक स्रोतों से भी हम पानी को प्राप्त कर सकते हैं। प्रयोगशाला में, कहाँ पर, प्रयोगशाला में, लाइब्रेरी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग करके, तो भी आपको जल प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो, अन्य रासायनिक विधि के माध्यम से भी आप पानी को प्राप्त कर सकते हो, जल को आप प्राप्त कर सकते हो। हर एक जगह से प्राप्त किया गया पानी, प्रत्येक स्रोत से प्राप्त जल का विश्लेषण करने पर अब भी याद होना चाहिए, अब भी परीक्षा में आएगा ये क्वेश्चन, है ना, प्रत्येक स्रोत से प्राप्त जल का विश्लेषण करने पर, अरे भैया, प्रत्येक स्रोत से प्राप्त जल का विश्लेषण करने पर हमको ज्ञात होता है कि भार की दृष्टि से मतलब वजन की दृष्टि से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 1:8 ही रहता है। प्रत्येक स्रोत से प्राप्त जल का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात 1:8 ही रहता है। आपको पेपर में पूरे यहां तक लिख करके आना पड़ेगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन होता है समाप्त, यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूरी केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, 11th क्लास की पूरी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर आप पास हो जाओगे तो 12th क्लास की केमिस्ट्री का भी मेरा चैनल है भारती सेर क्लास 12th PCM और भारती सेर क्लास 11th PCM 9वीं 10वीं पूरी क्लास का मेरा यहाँ पर चैनल है, प्लस वेबसाइट भी है। आपको पूरा टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, और जैसे ही मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगा, आप चाहते हो कि सबसे पहले यदि आपको उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो, तो आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।